देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सूडो फोर्स। सबसे पहले सूडो फोर्स, सूडो फोर्स ये कब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, इस बारे में जानेंगे। तो एक टर्म है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको क्या कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी ऑब्जर्वर जिस पोजीशन पर बैठ के स्टडी करता है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यानी यानी कि जहां से कोई ऑब्जर्वर क्या करे, स्टडी करे बैठ करके, उस सिस्टम को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और यह दो तरह का होगा, एक कितने तरह का होगा, दो तरह का, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होगा नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, या तो सिस्टम रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म मोशन में हो, यानी कि व्हेन सिस्टम इज इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, मोशन देन सिस्टम इज नोन एज क्या, फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहा जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस देखिए अगला है व्हेन सिस्टम इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन देन सिस्टम इज नोन एज, सिस्टम इज नोन एज नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। When system is in accelerated motion, then system is known as non-inertial frame of reference. ये दोनों में mainly यही difference है। देखिए pseudo force क्या होता है, किस system में लगता है, तो pseudo force जो होता है आपका non-inertial frame of reference के केस में लगता है, inertial frame of reference के केस में नहीं लगेगा, non-inertial। सीडो फोर्स डेवलप इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी सीडो फोर्स जो लगेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में लगेगा। इसमें देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको सिंपल वे में यदि समझना है तो देखिए क्या होगा। इसको सिंपल वे में यदि समझना है तो देखिए एक पहला एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे। एक ट्रॉली ट्रक है या कोई ऐसा सिस्टम है, जो कोई ऐसा एक सिस्टम है जिसमें चक्का लगाते हैं और इस सिस्टम का भी मास होगा जो भी होगा पता नहीं है ना। मान लीजिए सिस्टम का मास जो है कैपिटल एम। किस सिस्टम का? जो ट्रॉली ट्रक है, ये एक्सेलरेट कर रहा है इधर की ओर। यदि आप इस पर खड़े हैं, अगर आप इस पे खड़े हैं तो आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे ही एक्सेलरेट करेगा सिस्टम तो आपको अनुभव होगा कि लगेगा कि हम इधर गिर जाएंगे, इधर क्यों ठकाएंगे। ट्रक हो, बस हो, जिस पर आप खड़े हैं, छत पर जाके खड़े हो जाइए, जैसा ही ट्रक स्टार्ट होगा मोशन उधर की ओर तो आपको लगेगा कि हम पीछे की ओर गिर जाएंगे। तो कौन सा फोर्स लगता है? उसी वही फोर्स जो है आपका सीरो फोर्स कहलाता है। वही फोर्स क्या कहलाता है आपका? सीरो फोर्स, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इस आदमी का या इस ब्लॉक का मास m है, तो m है मास ऑफ ब्लॉक और कैपिटल m है मास ऑफ मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम a जो है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम है। अब देखिए आगे ध्यान से समझते हैं। तो सीडो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, सीडो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो मास गुने एक्सेलरेशन होगा, यानी एफ इक्वल टू एम ए ही होगा। लेकिन जरा गौर से देखिएगा, हम लोग यहाँ सिस्टम का मास कंसीडर नहीं करते हैं, सिस्टम का एक्सेलरेशन लेते हैं और मास उस ब्लॉक का लेते हैं जिसका आपको स्टडी करना है। देखिए बात को याद रखिएगा, सिस्टम का मास कभी नहीं लेते हैं, ध्यान से समझिए मेरी बात को, सिस्टम का मास कभी भी नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या? तो सिस्टम का एक्सेलरेशन लेते हैं। देख लीजिए बात को, समझिए अच्छी तरह से। ये सीडो फोर्स का यही कंडीशन है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम एक प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको, जो एस सी वर्मा का ही क्वेश्चन है, एस सी वर्मा बुक का पेज नंबर 83 का है। कितना का? पेज नंबर 83 का 41 नंबर प्रॉब्लम है। पेज नंबर एससीबी, पेज नंबर 83 और प्रॉब्लम नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 41 है। देख लीजिए ध्यान से, इसी क्वेश्चन को बताना है, 41 है। कहता है कार इज स्पीडिंग अप ऑन अ हॉरिजॉन्टल लोड विथ एक्सेलरेशन ए, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन द कार। अ बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम स्लिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। मतलब कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सिस्टम है, एक रोड है हॉरिजॉन्टल रोड, जिस पर एक कार जो है एक्सेलरेट कर रहा है, तो कार को थोड़ा बना बना रहे हैं क्योंकि मेन सिस्टम तो कार ही पर है, कार के अंदर चूंकि स्टडी करना है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। यहां से आप एक बॉब को लटका हुए थे, क्या बॉब यानी एक ऑब्जेक्ट को हैंग करवा दिए थे जब रुका हुआ था तब, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेट करने लगेगा तो बॉब जो है इधर आकर के एक सर्टेन एंगल पर क्या रहेगा, अस्थिर हो जाएगा। ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं,
कार उर में बैठेगा, देखिए डॉल उल वगैरह लटका हुआ रहता है ना, जैसे कार आगे बढ़ता है तो ये पीछे की ओर भागता है। तो कहता है बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू द स्ट्रिंग एंड मेंटेन अ कॉन्स्टेंट एंगल विथ वर्टिकल, फाइंड द एंगल। तो कहता है ये एंगल बताइए क्या होगा। तो कुछ मत कीजिए, इसका एफबीडी बनाइए सबसे पहले। एमजी तो लगेगा ही हर हाल में कोई भी काम हो, ये सब स्ट्रिंग में टेंशन भी लगेगा और कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, लेकिन चूंकि इधर आया क्यों तो इस पर एक सीडो फोर्स लगा हुआ। क्या है लगा? क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड मोशन में है तो इस पर एक सीडो फोर्स लगा हुआ है। एम में देख लीजिए, कार का मास नहीं लेना है, मास लेना है बॉब का, ऑब्जेक्ट का। किसका लेना है? बॉब का, ऑब्जेक्ट का। देख लीजिए, अब देखिए ध्यान से, अगर ये वर्टिकल लाइन आप यहां बना देते हैं, अगर ये वर्टिकल लाइन बना देते हैं तो ये एंगल यहां पर आ जाएगा, और अगर बॉब का एफबीडी बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा, अगर सिर्फ इसको आप देखते हैं तो इसका दो कंपोनेंट होगा, जिधर से एंगल सट गया उधर टी कॉस थीटा, और जिधर से एंगल नहीं सटा उधर टी साइन थीटा। और जब आप यहाँ खड़ा होकर स्टडी करेंगे तो बॉब आपको रेस्ट में दिखेगा, गाड़ी के अंदर आप रहेंगे तो बॉब रेस्ट में दिखेगा। अगर रेस्ट में है तो फिर क्या होगा? आगे बराबर पीछे और ऊपर बराबर नीचे, यानी टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए होगा, इक्वेशन नंबर पहला, और टी कॉस थीटा इक्वल टू आपका एम जी होगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर दीजिए, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए बाई जी, यानी थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स ए बाई, टेन इनवर्स ए बाई जी। मतलब इतना एंगल बना करके, यानी जितना ज्यादा एक्सलेरेशन दीजिएगा उतना ज्यादा एंगल बना के खड़ा होगा, बात समझ लीजिए। गाड़ी में डायरेक्ट एक्सीलरेटर दीजिएगा तो और ज्यादा तेजी से ये ज्यादा एंगल बनाएगा। देख लीजिए, बात को समझिए अच्छी तरह से। उसी तरह से इसमें बी पार्ट है, बी पार्ट में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता उसी कार के अंदर, उसी कार के अंदर इंक्लाइन प्लेन बना दीजिए। क्या बना दीजिए? इंक्लाइन प्लेन बना दीजिए। अगर इंक्लाइन प्लेन बना दिए हैं तो उस इंक्लाइन प्लेन के बारे में पूछ रहा है कि इंक्लाइन प्लेन बना दीजिए। इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं, कार के अंदर ही बनाना है इंक्लाइन प्लेन। कार ऐसे जा रहा था, आइसोलेट कर रहा था, कार के अंदर ही इंक्लाइन प्लेन बना दीजिए। और आपको पता है कि अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, इंक्लाइनेशन थीटा एंगल है तो जाएगा नीचे, ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें इंक्लाइनेशन का एंगल क्या दीजिए कि नीचे स्लाइड नहीं करे, जबकि स्मूथ है उसके बाद भी स्लाइड नहीं करे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप एबीडी बनाइए पहले, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ एम जी है, नॉर्मल तो आपको इधर ही लगेगा, ये बात आपको पता है, और ये एंगल थीटा होता है ये भी बात पता है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा ये भी बात आपको पता है। एक इधर होगा एम जी साइन थीटा, और एक इधर होगा आपका एम जी कॉस थीटा, ठीक है। एक और फोर्स लगेगा क्योंकि गाड़ी जब एक्सीलरेट करने लगा है और उसके अंदर ये सिस्टम है तो इस पर लगेगा सीरो फोर्स, और डायरेक्शन ऑफ सीरो फोर्स जो होता है ऑलवेज मोशन के उल्टा होता है, उधर मोशन तो सीरो फोर्स लगेगा, तो यहां भी उधर मोशन, तो ये हॉरिजॉन्टल में गाड़ी चल रहा तो हॉरिजॉन्टल में ही सीरो फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं कि दूसरे तरफ लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल में ही सीरो फोर्स लगेगा, यहाँ किधर लगेगा? हॉरिजॉन्टल में ही लगेगा, गाड़ी हॉरिजॉन्टल, ये ना इंक्लाइन प्लेन है, गाड़ी तो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है तो उसके अनुसार सीरो फोर्स लगेगा, सिस्टम जो मूव कर रहा है उसके अनुसार सीरो फोर्स लगता है, इस बात को समझ लीजिए। तब तो अब इसका भी कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, देख लीजिए ध्यान से, यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ये वाला एंगल, क्योंकि टोटल जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए, और ये नॉर्मल है और उस पर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब तब तो ये एंगल आपका हर हाल में थीटा होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, जिधर से एंगल सट गया उधर कौन सा कंपोनेंट? एम ए कॉस थीटा जाएगा,
इधर से नहीं सटा है, उधर एम ए साइन थीटा आ जाएगा। यदि इस सिस्टम में आप यहाँ खड़े हैं और देख रहे हैं कि इधर मोशन नहीं है, यानी वेलोसिटी जीरो है, इंक्लाइनेशन के लॉन्ग मोशन नहीं, इंक्लाइनेशन के लॉन्ग मोशन नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, तो आप यह स्टडी कीजिए फोर्स अलोंग इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन, फोर्स अलोंग इंक्लाइनेशन। अगर फोर्स अलोंग इंक्लाइनेशन की बात करते हैं तो क्या हो, एक होगा एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम ए कॉस थीटा क्योंकि मोशन नहीं है तो आगे बढ़ा पीछे, तो यहां पर एम ए कॉस थीटा, तो एम से एम कट जाएगा, आपको ए बराबर आ गया जी कॉस थीटा और साइन थीटा यानी टैन थीटा, ए बराबर ए आ गया, लेकिन आपको तो एंगल निकालना था, टैन थीटा इक्वल टू ए बाई जी होगा और थीटा इक्वल टू होगा टैन इनवर्स ए बाई जी। देखिए एक बात और बता देते हैं, सूडो फोर्स में ये फार्मूला हर हाल में आएगा, या कहिए ये फार्मूला हर हाल में आएगा, उसमें भी है ए बराबर देखिए ना जी टैन थीटा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सूडो फोर्स में एक्सेलरेशन का फार्मूला हर हाल में जी टैन थीटा आएगा, जो एंगल होगा वो जी टेन थीटा के बराबर ही होगा हर हाल में। देखिए अगर इस दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए। देख लीजिए किसी तरह का प्रॉब्लम है तो बतलाइए। नहीं प्रॉब्लम है तो 77 नंबर पेज निकालिए, एस सी वर्मा का बुक है ना, एस सी वर्मा का पेज नंबर 77 निकालिए और क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव में 5 और 6 बनाइए, दोनों क्वेश्चन हम बताएंगे भी थोड़ा देर में। पेज नंबर 77 77 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाना है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। अब ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, एक ब्लॉक ऑफ मास है जिसको स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया गया है, ऐसे इंक्लाइनेशन थीटा है, तो ब्लॉक को जब रख देंगे तो ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे तो ये एमजी नीचे होगा, नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, देख लीजिए ध्यान से, और जब इसको फिर तोड़ेंगे तो ये थीटा तो इधर जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ब्लॉक को इस पर रख दिए थे तब इस तरह का सिचुएशन आया। क्वेश्चन में करा है फोर्स एग्जर्टेड बाय प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज मैग्नीट्यूड, तो याद कीजिए प्लेन के द्वारा ब्लॉक पर जो फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल फोर्स है। फिर से सुन लीजिए, प्लेन के द्वारा ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो अभी नॉर्मल फोर्स है, तो इधर तो मोशन है नहीं, तो इधर जब मोशन नहीं है तो नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, यानी एन बराबर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसमें क्या कर रहा है, 6 नंबर में कहता है ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस ऑन स्मूथ वेज इंक्लाइनेशन थीटा, आपके यार फिर से आती इंक्लाइन थीटा है, इंक्लाइनेशन है उसका, ये रखा हुआ है इस तरह से, अब की बार ये वेज है इस तरह से, वेज मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर जो ट्रायंगुलर शेप का है उसको वेज कहते हैं। अब ये वेज को एक्सेलरेट करवा रहा है, वेज को क्या कर रहा है, होल सिस्टम एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, यानी वेज जो है ना ये पूरा ट्रायंगुलर शेप वेज है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, इधर की ओर जा रहा है, ए से सिस्टम में एक्सेलरेट कर रहा है, और तब इस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं आप, और इस कंडीशन में फिर से पूछ रहा है किसके द्वारा उस पर
कितना फोर्स लग रहा है ये बताइए, फोर्स अगेंस्ट वेज ऑन द ब्लॉक, दोनों में एक ही क्वेश्चन था, दोनों में आपका एक ही क्वेश्चन था, बात समझ लीजिए इसी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक रख दिए थे, इंक्लाइन प्लेन मूव नहीं कर रहा था, रेस्ट में था, तब वेज के द्वारा जो फोर्स लगा नॉर्मल ये हो गया इतना, फिर से कह रहा है वेज के द्वारा निकालिए, एबीडी फिर से बनाना पड़ेगा हमको, ये एमजी होगा, नॉर्मल होगा और एक सीरो फोर्स भी होगा, याद कर लीजिए, अब सीरो फोर्स अभी देखे थे क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा था और ये आपका इंक्लाइन है, ये थीटा होता है ये बात पता है आपको, और ये भी थीटा हो गया था, ये बात अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे, सीरो फोर्स एम इंटू ए होता है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एम जी साइन थीटा इधर होगा, एक एम जी कॉस थीटा इधर होगा, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एम ए कॉस थीटा इधर होगा जिधर से एंगल सट गया है, और एम ए साइन थीटा इधर होगा, और कहता होल सिस्टम एसेलेरेट हॉरिजॉन्टली, सो सिस्टम नॉट, मतलब कि ये ब्लॉक इस पर एसेलेरेट या फिर क्या कर रहा है, डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, यानी कि इधर वेलोसिटी आपका जीरो है, यानी वेलोसिटी जब जीरो है तो आपको तो पता है कि सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फोर्स एलोंग इनक्लाइनेशन, इनक्लाइनेशन, इनक्लाइनेशन के अलोंग फोर्स का स्टडी कीजिए, तो हो जाएगा आपका एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ऐसा इसलिए हो क्या, इस फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है, एम एम कट गया, ए बराबर आ गया जी टेन थीटा, जी टेन थीटा, देख लीजिए देख लीजिए, एम बराबर क्या होगा, जी टेन थीटा होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ए बराबर जी टेन थीटा, जब ए बराबर जी टेन थीटा हो गया यहां से निकल गया, अब नॉर्मल की बात कीजिए, ये नॉर्मल तो इसके बराबर होगा, यहां पर नॉर्मल जो होगा अब ये होगा एम ए साइन थीटा आप प्लस एम जी कॉस थीटा, दोनों होगा क्योंकि नॉर्मल के अपोजिट में ये अब दोनों फोर्स है, दोनों कंपोनेंट है, देख लीजिए ध्यान से, अब नॉर्मल निकालिएगा तो एम होगा, ए के बदले क्या लिखेगा जी टेन थीटा, तो जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा आप प्लस एम जी कॉस थीटा, तो एम जी को बाहर ले लीजिए, आप एम जी को बाहर लीजिएगा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया आप प्लस कॉस थीटा बच गया, एलसीएम ले लीजिए, क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो एम जी हो जाएगा ये और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, और ऊपर देखिए क्या क्या बच गया, अब साइन स्क्वायर तो पहले से था और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, देख लिए ध्यान से, देख लिए ध्यान से, समझ लीजिए मेरी बात को अच्छी तरह से, तो यहां पर क्या होगा, अब दोनों का स्क्वायर कीजिए तो प्लस वन हो जाएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं बात को, n बराबर जो हो जाएगा एम जी बाई कॉस थीटा हो जाएगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये वैल्यू वन होने वाला है ऊपर वाला, यहां पर जब रेस्ट में था सिस्टम और उस पर ब्लॉक छोड़ दिए तो नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा, और यहां पर देखिए जब सिस्टम एसोलेट में था तो इस तरह से क्वेश्चन बना, वहां ये आया, और ये दोनों क्वेश्चन बारी बारी से नीट में पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग यार आया हुआ है, यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, नहीं तो क्वेश्चन का दोनों का ऑप्शन एक ही जैसा दिख रहा है, इस ऑप्शन को आपको और घुमा सकता है, तो एम जी और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक थीटा भी लिखा सकता है, ठीक है, देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, यानी कि वेज के द्वारा जो सिस्टम पर फोर्स लगेगा वह जो फोर्स है आपका कितना होगा, दोनों कंडीशन में अलग अलग होगा,